तो हमारे इस मी टीवी स्टिक के ऑफिशियल ऐप स्टोर पर आपको काफ़ी सारी गेम्स जो है वो इंस्टॉल करने को मिल जाती है, और उन्हीं में से कुछ बहुत ही पॉपुलर गेम्स जैसे कि रियल रेसिंग 3 और एसफॉल्ट 8 जैसी गेम्स को भी आप अपनी मी टीवी स्टिक पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे अपनी मी टीवी स्टिक की गेमिंग परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन सा गेम पैड आपके मी टीवी स्टिक के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वैसे तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स के वायरलेस गेम पैड्स मिल जाएंगे, और उन्हीं में से है ये रेड गियर की तरफ से आने वाला रेड गियर इलाइट वायरलेस गेम पैड। वैसे ये गेम पैड आपका स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी और पीसी के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, लेकिन हमें अपनी मी टीवी स्टिक के लिए कुछ इस तरह के वायरलेस गेम पैड को नहीं परचेज करना है, क्योंकि ये गेम पैड आता है वायरलेस यूएसबी रिसीवर के साथ में, और हमारी मी टीवी स्टिक पर हमें यूएसबी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में इस तरह के वायरलेस गेम पैड्स को जो कि आते हैं यूएसबी वायरलेस रिसीवर्स के साथ में, हम अपनी मी टीवी स्टिक के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और मी टीवी स्टिक के लिए आपको कुछ इस तरह का ब्लूटूथ वायरलेस गेम पैड चाहिए होगा, और यह है मेरे पास लाइफटेक की तरफ से आने वाला वायरलेस गेम पैड, जिसे आप अपनी मी टीवी स्टिक के साथ में इजीली ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और वैसे इस गेम पैड को भी यूज़ करते हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, और हमारा ये लाइफटेक वायरलेस गेम पैड मी टीवी स्टिक के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे मी टीवी स्टिक का मेन होम स्क्रीन, और यहाँ पर कुछ पॉपुलर गेम्स को मैंने ऑलरेडी इस पर इंस्टॉल किया हुआ है। इस डिवाइस पर हमें फुल गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल जाता है, जहाँ से आप कई सारी गेम्स को इस पर इंस्टॉल कर सकते हो। इस लिस्ट में से आपको काफ़ी सारी पॉपुलर गेम्स देखने को मिल जाती है, जिन्हें आप अपने मी टीवी स्टिक पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस गेम पैड को कनेक्ट करते हैं अपने मी स्टिक के साथ में, और इसे अपने मी टीवी स्टिक के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रेस करनी है एक्स की और एंड्रॉयड की एक साथ में, और उसके बाद आपका गेम पैड ये जो है वो पेयरिंग मोड पर चला जाएगा, और फिर आपको जाना है अपने मी टीवी स्टिक की सेटिंग्स में रिमोट एंड एक्सेसरी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको अपने गेम पैड का नाम जो है वो दिखाई दे रहा होगा, आपको इस गेम पैड के नाम पर सेलेक्ट करना है, और हमारा ये गेम पैड मी टीवी स्टिक के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये गेम पैड अब हमारा मी टीवी स्टिक के साथ में कनेक्टेड है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको मी टीवी स्टिक पर मिलने वाली गेमिंग परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। और हम पहले यहाँ पर प्ले करेंगे एसफॉल्ट 8 गेम को, जो कि काफ़ी हैवी एक गेम है, और इस गेम पर आपको काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, और इस गेम प्ले को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें मी टीवी स्टिक पर किस तरह की गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, हमारे ये लाइफटेक वायरलेस गेम पैड मी टीवी स्टिक के साथ में काफ़ी बड़ी तरीके से काम कर रहा है, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी हमें मी टीवी स्टिक पर डिसेंट देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको यहाँ गेमिंग में मी बुक 4 की जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिलेगी, और वो इसीलिए क्योंकि हमारी मी टीवी स्टिक आती है सिर्फ 1 GB की रैम के साथ में, और इसीलिए आपको गेम प्ले में भी थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। और वैसे ओवरऑल ये गेम पैड हमारा मी टीवी स्टिक के साथ में काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, और डिले भी हमें जो है वो ना के बराबर देखने को मिलता है। और वैसे आप अपने मी टीवी स्टिक पर इसके साथ में आए हुए रिमोट कंट्रोलर के साथ में भी गेमिंग कर सकते हो, और कुछ इस तरह की लाइट गेम्स हमारी मी टीवी स्टिक पर काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन यदि तो आप इसके साथ में आए हुए इस रिमोट कंट्रोलर के थ्रू ही गेमिंग करोगे, तो आपको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये तो आप अपने मी टीवी स्टिक पर गेम्स को प्ले करना चाहते हो, तो फिर तो आप ज़रूर से एक गेम पैड ले लीजिएगा, और इस लाइफटेक वायरलेस गेम पैड के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमें मी टीवी स्टिक पर डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। हालांकि एसफॉल्ट 8 जैसी हैवी गेम्स में आपको कुछ फ्रेम ड्रॉप्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बीच पगी जैसी लाइट गेम्स हमारी मी टीवी स्टिक पर काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। वैसे मी बॉक्स 4K पर हमें किस तरह का गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।